हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ये टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का एक प्रॉब्लम लिए थे, उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग ड्रॉइंग सब्जेक्ट में नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने इसके पहले कवर किए थे और अदर सब्जेक्ट्स के भी कुछ टॉपिक्स स्टडी किए थे। तो अगर आपने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक्स अगर नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा, ड्रॉ द फॉलोइंग व्यूज फॉर द गिवन आइसोमेट्रिक व्यू। फर्स्ट फ्रंट व्यू लुकिंग फ्रॉम द डायरेक्शन एक्स, सेकंड टॉप व्यू, थर्ड साइड व्यू। तो फाइनली जो आइसोमेट्रिक व्यू का यूज करके हमें ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करना है वो आपके सामने है। देखिए ये एक आइसोमेट्रिक व्यू है, ये आइसोमेट्रिक व्यू का यूज करके हमें ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करना है। अब ये आइसोमेट्रिक व्यू और ऑर्थोग्राफिक व्यू में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस बहुत ही सिंपल है। देखिए आइसोमेट्रिक व्यू इट मींस थ्री डायमेंशनल व्यू, जो कि एक्स वाई जेड ये तीन एक्सिस का यूज करके बनता है, जो कि ये है आइसोमेट्रिक व्यू। इट मींस ये है थ्री डायमेंशनल व्यू जो कि एक्स वाई जेड तीन एक्सिस का यूज करके बना है और हमें ये आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करना है। ऑर्थोग्राफिक व्यू इट मींस टू डायमेंशनल व्यू जो कि एक्स एंड वाई एक्सिस का यूज करके बनता है। तो चलिए ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करेंगे। ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, एक्स वाई लाइन। तो आइए वो सब हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए फाइनली हमने रेफरेंस लाइन यहां पर ड्रॉ कर लिया है। तो ये है एक्स वाई लाइन और एक्स वाई लाइन के हम ऊपर फ्रंट व्यू और नीचे टॉप व्यू बनाएंगे और ये है एक्स वन वाई वन लाइन जो कि हमने साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए यहां पे यूज किया है। ये पूरा प्रॉब्लम जो है वो हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में फ्रंट व्यू ऊपर होता है और टॉप व्यू नीचे होता है और फ्रंट व्यू के साइड में साइड व्यू होता है। तो आइए देखते हैं कि यहां पर फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है, ये सेकंड प्रॉब्लम है। तो यहां पर अगर हमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा था कि ड्रॉ द फ्रंट व्यू लुकिंग फ्रॉम द डायरेक्शन एक्स, इट मीन जहां एक्स लिखा है वहां से देख के आपको फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। तो ये देखिए ये फ्रंट व्यू आप इधर से देख के ड्रॉ करना है। ये देखिए इधर से आप देख के फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। ये देखिए हमें इधर से देख के फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है राइट साइड से। तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड से देख के आप साइड व्यू ड्रॉ करेंगे और टॉप व्यू के लिए तो हमेशा आपको ऊपर से ही देखना होता है, ये तो कंफर्म है। टॉप व्यू का प्लेस हमेशा एक ही होता है, टॉप व्यू हमेशा ऊपर से देख के बनेगा। फ्रंट व्यू और साइड व्यू जो है वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कहां पे एक्स लिखा है। जहां पे एक्स लिखा है वो साइड से आप फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे और अदर साइड से आप साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे इधर एक्स दिया है तो इधर से देख के हम फ्रंट व्यू बनाएंगे, तो ये साइड से हम साइड व्यू बनाएंगे और ऊपर से टॉप व्यू। अगर एक्स अगर इधर दिया होता तो इधर से हमने फ्रंट व्यू ड्रॉ किए होते तो उधर से साइड व्यू ड्रॉ किए होते। अब यहां पे हमें जो भी ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करना है, इट मींस जो भी हमें 2D व्यू ड्रॉ करना है उसमें फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू कहां बनेगा वो देखते हैं। देखिए इतना तो कंफर्म है कि हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हैं तो फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा और टॉप व्यू नीचे बनेगा। अब ये फ्रंट व्यू हम यहां बनाएंगे या यहां बनाएंगे वो कैसे पता चलेगा, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए फ्रंट व्यू अगर आप यहां बनाएंगे तो साइड व्यू इधर बनाएंगे और अगर आप फ्रंट व्यू यहां बनाएंगे तो साइड व्यू यहां बनाएंगे। तो ये कैसे पता चलेगा, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए क्वेश्चन में जहां पे एक्स लिखा है वो कौन सा साइड है वो देखिए, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है। देखिए ऑब्जेक्ट को ये देखिए, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को आप राइट साइड से देख के फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्स इधर लिखा है ना, ये राइट साइड ये लेफ्ट साइड, तो राइट साइड से देख के आप फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहे हैं। तो राइट साइड से जब भी आप देखते हैं तो बनने वाला व्यू जो है वो लेफ्ट साइड में बनता है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को जब आप राइट साइड से देख रहे हैं तो बनने वाला व्यू जो है वो लेफ्ट साइड में बनेगा और वही ऑब्जेक्ट को जब आप लेफ्ट साइड से देखेंगे तो बनने वाला व्यू राइट साइड में बनेगा। ये बहुत ही आसान है। तो देखिए फ्रंट व्यू आप राइट साइड से देख के ड्रॉ कर रहे हैं तो बनते समय वो लेफ्ट साइड में बनेगा, इट मीन्स यहां फ्रंट व्यू बनेगा, ये कंफर्म है। यहां फ्रंट व्यू बनेगा और ये फ्रंट व्यू के नीचे आप का जो भी है वो टॉप व्यू बनेगा। हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू बनता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में। तो यहां पे फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, लेफ्ट साइड में हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे और राइट साइड में यहां पे हम साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। साइड व्यू राइट साइड में क्यों आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं। देखो ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो बनने वाला जो साइड व्यू है वो बनते समय राइट साइड में बनेगा, इसलिए जो है यहां पर राइट साइड में साइड व्यू बनेगा। तो हम यहां पर थोड़ा सा लिख लेते हैं, यहां पर हमें साइड व्यू ड्रॉ करना है, यहां पर हमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, कंफर्म है, और नीचे हमें टॉप व्यू ड्रॉ करना है, ये सब कंफर्म है। तो समझ में आया होगा आपको, जहां तक देखो फ्रंट व्यू यहां, टॉप व्यू यहां और साइड व्यू यहां, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। टॉप व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉप व्यू तो हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे ही बनता है। आपको फ्रंट व्यू और साइड व्यू का ही प्लेस सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि फ्रंट व्यू इधर बनेगा या उधर बनेगा।
अब हमें सबका बेस और हाइट डिसाइड करना है, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसका भी हमने एक रिलेशन लास्ट एक लेक्चर में हमने लिख के दिए थे। तो उसका रिलेशन बहुत ही सिंपल है, उसका रिलेशन हमने लिख के दिए थे कि फ्रंट व्यू का जितना बेस होगा उतना टॉप व्यू का बेस होगा, ये हमने लिख के दिए थे। फ्रंट व्यू का बेस जितना उतना ही टॉप व्यू का बेस रहेगा, फ्रंट व्यू का जितना हाइट रहेगा उतना साइड व्यू का हाइट रहेगा, ये रिलेशंस आपको पता होना चाहिए। और यहां पे हम लिखेंगे कि टॉप व्यू का जितना हाइट रहेगा वो साइड व्यू का बेस रहेगा। देखिए ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू का, फ्रंट व्यू का तो बेस आता है, फ्रंट व्यू का बेस डिसाइड करना आता है, लेकिन टॉप व्यू का हाइट बेस और साइड व्यू के बारे में उन लोगों को पता करना नहीं होता है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल रिलेशन है, देखिए ये रिलेशन का आप हमेशा यूज करो, जितना फ्रंट व्यू का बेस उतना टॉप व्यू का बेस, जितना फ्रंट व्यू का हाइट उतना साइड व्यू का हाइट, और जितना टॉप व्यू का हाइट उतना साइड व्यू का बेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है। तो चलिए अब फाइनली ये रिलेशन का यूज करेंगे, हम यहां पे फ्रंट व्यू बनाएंगे, यहां टॉप व्यू बनाएंगे और यहां साइड व्यू बनाएंगे। तो देखिए फ्रंट व्यू का बेस कितना है, सबसे पहले हमें यहां फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, तो फ्रंट व्यू हमें यहां जो भी ड्रॉ करना है उसका बेस देखिए, आप ये ऑब्जेक्ट को राइट साइड से देख रहे हैं, ठीक है, आप ये ऑब्जेक्ट को राइट साइड से देख के फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब एक काम करेंगे हम, राइट साइड से देख के क्या क्या दिख रहा है, जो भी आपको जो पार्ट आपको दिख रहा है उसको शेडेड कर लो। शेडेड करने के लिए आप पेंसिल का यूज करेंगे तो भी चलेगा, या कलर पेन का यूज करेंगे तो भी चलेगा। एग्जाम में जब भी आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको पेंसिल का यूज करके शेडेड करना है। आप राइट साइड से देख के आप फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहे हैं, तो फ्रंट व्यू से हम इधर से देखेंगे और जो पार्ट हमें दिखेगा, जो पार्ट्स हमें दिखाई देगा, जो सरफेस हमें दिखाई देगा, हम सिर्फ उसको शेडेड करेंगे और बाकी पोर्शन को शेडेड नहीं करेंगे। तो आइए अब हम शेडेड करना स्टार्ट करते हैं। जब हम इधर से देख रहे हैं तो हमें देखिए हमें ये पोर्शन जो है पूरा, हमें ये पोर्शन पूरा दिखाई दे रहा है, तो ये पोर्शन जो है वो हम शेडेड कर लेंगे। तो ये देखिए फाइनली हमने इतना पोर्शन शेडेड कर लिया है जो हम राइट साइड से देख रहे हैं, तो जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है उसको हमने शेडेड कर लिया और ये पोर्शन हमें ड्रॉ करना है। अब इसका बेस और हाइट क्या है वो आप चेक करेंगे। देखिए बेस यहाँ नीचे लिखा है, सबसे बेस जो है वो नीचे लिखा है 104 mm में है, ये पूरा जो लेंथ यहाँ पे दिया है वो mm में है, मिलीमीटर में है, तो आपको मिलीमीटर सेंटीमीटर जो भी है वो आपको उसी फॉर्म में ड्रॉ करना है। तो ये देखिए 104 mm, इट मीन 10.4 cm इसका बेस है और हाइट है उसका 48 mm, ठीक है, बेस 104 और हाइट 48, तो ये जो है यहां पे ऐसा आपको ड्रॉ करना है, ये उल्टा एल शेप है, तो ये एल शेप में आपको ड्रॉ करना है लेकिन उल्टा है, ठीक है। तो ये ड्रॉ करना बहुत ही आसान है, तो आइए ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। हम इसको फ्रंट व्यू में यहां पे ड्रॉ करेंगे, इसके लेफ्ट साइड से हाइट दिया है वहां पे, ये देखिए यहां पे हाइट दिया है 16, देखिए इधर से हाइट दिया है 16 और उधर से दिया है 48, लेकिन जब आप सामने से देखेंगे तो आपको जो है एक पूरा रेक्टेंगल दिखाई देगा, यहां से आपको ये ऐसा 48 और इधर से भी पूरा 48 दिखाई देगा और उसमें आपको ये जो है ऐसे लाइनिंग्स, इट मीन ऐसी एजेस आपको आपको दिखाई देंगे, तो वो आपको यहां ड्रॉ करना है। तो यहां से हम 48 का हाइट ले लेंगे, तो आइए यहां पे 48 का हाइट ले लेंगे पूरा का पूरा। तो ये देखिए हमने यहां पे 104/48 का ऐसा एक बॉक्स बना दिया, 104/48, तो इसी के अंदर सब कुछ बनेगा। तो ये सबसे पहले यहां से देखिए यहां पे 16 हाइट हमें चढ़ाना है, देखिए यहां से 16 mm का, तो यहां से हम 16 mm के यहां पे तीन स्लॉट यहां पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे हम तीन स्लॉट लेंगे, यहां पे ये एक, ये दो, ये तीन, ऐसे हमें तीन स्लॉट यहां पे लेना है, 16 16 के तीन स्लॉट। तो देखिए यहां से हम ये 16 mm की हाइट से हम यहां से एक एज ड्रॉ करेंगे इसका, ये देखिए ऐसा, और ये कहां तक ड्रॉ करना है, तो ये देखिए यहां से जो है इधर से 24 mm छोड़ना है, देखिए आपको इधर से 24 mm छोड़ना है, तो चलिए यहां से 24 mm यहां से छोड़ देंगे हम, और 24 mm छोड़ के यहां से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए ये हमने फ्रंट व्यू में ड्रॉ कर लिए, ये 104/48 ऐसा हमने चढ़ा दिया यहां से, ठीक है ना, यहां से 104/48, ये 104, ये 48, देन इधर हमने ले लिए 24
और देन हमने यहां से यहां पे 16 16 16 के यहां पे तीन स्लॉट ले लिए। देखिए 16 3 जा 48 हो गया, तो ये हमारा फाइनली फ्रंट व्यू जो है वो कंप्लीट हो गया। और यहां पे डाइमेंशंस भी हम दे देंगे, डाइमेंशंस आप बीच-बीच में दे सकते हैं या तो आप पूरा ऐसे साइड में डाइमेंशन दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे डाइमेंशंस अभी हम यहां पे बाद में देंगे, फ्रंट व्यू यहां पे तैयार हो चुका है। अब हम टॉप व्यू बनाएंगे, तो टॉप व्यू कैसे ड्रा करेंगे, देखिए टॉप व्यू का बेस और हाइट क्या रहेगा। फ्रंट व्यू का तो बेस और हाइट हमने बता दिया आपको 104/48, ये फ्रंट व्यू का बेस और हाइट हो गया। टॉप व्यू का बेस और हाइट क्या रहेगा, तो देखिए हमने यहां बताए थे कि जितना फ्रंट व्यू का बेस उतना टॉप व्यू का बेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना फ्रंट व्यू का बेस उतना टॉप व्यू का बेस। तो फ्रंट व्यू का बेस है 104 mm, तो टॉप व्यू का बेस भी 104 mm रहेगा। तो टॉप व्यू का बेस 104 है, ये तो कंफर्म है। अब टॉप व्यू का हाइट कितना, तो टॉप व्यू का हाइट देखिए, टॉप व्यू का हाइट उतना ही होता है जितना साइड व्यू का बेस है। तो साइड व्यू का बेस देखिए कितना है, उधर से देखिए आप फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहे हैं, इधर से देखिए आप साइड व्यू ड्रॉ कर रहे हैं, तो साइड व्यू का बेस देखिए क्या है, साइड व्यू का बेस है 72। तो जितना साइड व्यू का बेस जो है उतना ही टॉप व्यू का हाइट रहेगा। तो फाइनली यहां पे जो हमें ड्रॉ करना है वो 72/104, इट मींस हमें उसका बेस लेना है 104 और हाइट लेना है 72। तो चलिए 104/72 का हम यहां ब्लॉक बनाएंगे, उसके अंदर हमें पूरा का पूरा टॉप व्यू ड्रॉ करना है। लेकिन हमें यहां टॉप व्यू जो ड्रॉ करना है उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फ्रंट व्यू के जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट से वर्टिकल प्रोजेक्टर्स यहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा। प्रोजेक्टर्स एक्स वाई लाइन को एक्जैक्टली परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू ईच अदर चाहिए। तो देखिए फ्रंट व्यू के सभी कॉर्नर से सभी पॉइंट से हम जो है वर्टिकल प्रोजेक्टर्स यहां पे ड्रॉ कर लेंगे, एक्जैक्टली परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो ये देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको फ्रंट व्यू के सभी कॉर्नर से सभी पॉइंट से आपको प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करना है, प्रोजेक्टर जो है वो हमेशा फेंट होना। तो फाइनली हमने यहां फ्रंट व्यू के सभी कॉर्नर से वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर लिया है और अब हमें यहां पे टॉप व्यू ड्रॉ करना है। टॉप व्यू का बेस हमने आपको बता दिया 104 mm और टॉप व्यू का हाइट रहेगा दैट इज 72 mm। तो चलिए यहां 104/72 हम यहां पे ड्रॉ कर लेंगे। तो फाइनली हमने यहां 104/72 ऐसा एक बॉक्स ड्रॉ कर लिए, जितना फ्रंट व्यू का बेस उतना हमने टॉप व्यू का बेस ले लिए और जितना साइड व्यू का बेस उतना हमने टॉप व्यू का हाइट यहां पे ले लिए। देखिए साइड व्यू का बेस यहां 72 है तो उतना ही हमने टॉप व्यू का हाइट लिया, क्योंकि हमने यहां रिलेशन जो लिख के दिया है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो अब हमें यहां पर क्या करना है, हमें इसके अंदर जो है पूरा टॉप व्यू ड्रॉ करना है। तो टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए अब ये ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से देखो, ऊपर से देख के आप यहां पर जो पार्ट दिख रहा है उसको शेडेड कर लो। आपको ऊपर से देख के टॉप व्यू ड्रॉ करना है, तो ये ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखो, जो भी पार्ट हमें दिख रहा है उसको हम शेडेड कर लेंगे। तो शेडेड करने से जो है ऑब्जेक्ट को इमेजिन करने में आसानी होती है। तो ये देखिए फाइनली हमने जो भी पार्ट टॉप से दिखाई दे रहा है उसको हमने शेडेड कर लिया है और अब हमें इसका यूज करके जो है यहां पे ये देखिए यहां पे हमें उसका ऑर्थो ड्रॉ करना है एज ए टॉप व्यू। तो ये ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। तो ये हमने जो शेडेड किया है इसमें बॉटम कॉर्नर और टॉप कॉर्नर कहां पे, ये देखिए ये जो बॉटम कॉर्नर है, देखिए ये जो सबसे नीचे का बॉटम कॉर्नर है वो यहां पे है, ये देखिए ये लेफ्ट साइड में लेफ्ट बॉटम कॉर्नर जो है वो यहां पे है, ये जो बॉटम कॉर्नर है वो यहां पे आ गया, ठीक है। और ऊपर का सबसे ऊपर का टॉप कॉर्नर कहां पे दिखे, ये जो सबसे ऊपर का जो टॉप कॉर्नर है वो कहां पे आएगा, देखो सबसे ऊपर का टॉप कॉर्नर यहां पे आएगा, ठीक है। ये जो सबसे ऊपर का जो टॉप कॉर्नर है वो यहां पे आएगा, ठीक है। तो ऊपर के टॉप कॉर्नर से ऐसा एक देखिए एल यहां पे, उल्टा एल आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, तो वो आपको ड्रॉ करना है। इसका विड्थ देखो यहां पे 24 दिया है, ये देखो यहां पे इधर 24 दिया है और इधर भी ये 24 दिया है, ठीक है। इसका जो विड्थ है वो यहां पे 24 दिया है, तो ये उल्टा एल जो है आपको ड्रॉ करना है। तो ये ऊपर के टॉप कॉर्नर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देखो आप यहां से इधर जो गए हैं यहां से आप एक उल्टा एल यहां पर ड्रॉ कर लो, उसका विड्थ रहेगा दोनों साइड में 24, इधर भी 24 और इधर भी 24। और टॉप व्यू ड्रॉ करते समय कैसा है, देखो जो पार्ट जो है इधर है नीचे में, देखिए हम क्या बोल रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान दीजिए, जो पार्ट नीचे में है वो यहां नीचे बनेगा, ठीक है, और जो पार्ट यहां ऊपर में है वो यहां पे ऊपर बनेगा, ठीक है। तो ये जो टॉप कॉर्नर है वो टॉप कॉर्नर तो आपने ऊपर यहां पर ले लिए, तो जो पार्ट नीचे है इट मीन्स ये जो सर्फेस है, ये देखिए ये जो सर्फेस है, ये जो एज है, ये जो कॉर्नर है, ये ऐसा नीचे है तो वो यहां पे नीचे बनेगा। जो सरफेस की हम बात कर रहे हैं वो सरफेस जो है वो नीचे बनेगा, ये देखिए ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है जो नीचे है, ये सरफेस यहां ऐसा नीचे बनेगा, ठीक है। और ये जो टॉप कॉर्नर है ऊपर और ये जो सरफेस है ये ऊपर है, तो ये ऊपर बनेगा यहां पे, ठीक है। तो यहां पे ये ऐसा है, ठीक है ना, ये ऐसा उल्टा एल शेप है, तो ये जो उल्टा एल शेप है वो यहां पर आपको ड्रॉ करना है ऐसा, ठीक है। तो वो ड्रॉ करना बहुत ही आसान है, यहां पे विड्थ उसका 24 है दोनों साइड में, तो आइए यहां पे ड्रॉ करेंगे। तो एक साइड में तो यहां पे हमने ऑलरेडी 24 लिया, देखो फ्रंट व्यू से ही वो 24 चलता आ रहा है,
है ना, ये 24 है, बस आपको ये साइड से भी अब आपको 24 लेना है, तो आइए 24 लेंगे। इसका लेंथ हम यहाँ पे जो लिए हैं वो यहाँ ले लेंगे, तो 24 mm। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ से भी 24 mm ले लिए, और यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको एग्जैक्टली पैरेलल चाहिए। अभी हम यहाँ पे जो भी ड्रॉ कर रहे हैं ये जनरल स्केल से ड्रॉ कर रहे हैं, हमारे पास ड्राफ्टर या रोलर स्केल नहीं है, नहीं तो प्रॉपरली आया होता। तो ये देखिए, ये हम उल्टा जो एल जो हमने आपको बताया है, जो ऊपर से दिखाई दे रहा है, वो हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। देखिए, ये है वो सरफेस जो यहाँ पे हमने जो शेडेड किया है, ये जो उल्टा एल जो हमने शेडेड किया है वो यहाँ सरफेस जो है बन चुका है। और अब हमें क्या करना है, ये सरफेस और ये सरफेस ड्रॉ करना है। तो जो सरफेस नीचे है वो यहाँ नीचे बनेगा, तो नीचे जो सरफेस बनेगा उसका विड्थ देखो 24 है, और उसके ऊपर का ये जो सरफेस है इसका भी विड्थ 24 है, तो वो भी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो आइए यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, तो अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो ये जो सरफेस है, ये उल्टा ये जो एल है, ये सरफेस यहाँ पे बन चुका है, ये सरफेस जो है वो हमने यहाँ बना दिए। ये जो 24 वाला ये जो सरफेस है बीच वाला, वो 24 वाला सरफेस ये है, और ये नीचे का जो 24 वाला सरफेस है वो 24 वाला सरफेस ये है। तो फाइनली यहाँ पे टॉप व्यू जो हमने शेडेड किए थे वो यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और अब हम यहाँ पे डायमेंशंस लिख लेते हैं, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों में हमें डायमेंशंस लिखना है, तो वो अब हम डायमेंशंस लिख लेते हैं, देन आफ्टर हम यहाँ पे साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। तो फाइनली हमने फ्रंट व्यू टॉप व्यू का डायमेंशन यहाँ लिख लिया है। तो देखिए, यहाँ पे जो फ्रंट व्यू का बेस है वो हमने सबसे नीचे लिख लिया, 104 mm। फ्रंट व्यू की हाइट आपको यहाँ दिख रही है, ये हो जाएगा 48, 16 3 48, और यहाँ टॉप व्यू का हाइट ये हो जाएगा 24 3 72, और यहाँ पे ये जो है इसका विड्थ हमने लिख लिया 24। तो इस तरह से फ्रंट व्यू टॉप व्यू का डायमेंशन लिख लिए, और अब हम साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए हमें फ्रंट व्यू के पॉइंट्स को डायरेक्टली प्रोजेक्ट करना है, और टॉप व्यू के पॉइंट्स को जो है वो रोटेट करके इधर प्रोजेक्ट करना है। तो दो ऑप्शन है, या तो आप टॉप व्यू के पॉइंट्स रोटेट करेंगे बाय यूजिंग कंपास, या तो आप टॉप व्यू के पॉइंट्स इधर हॉरिजॉन्टली लेके आएंगे, देन यहां से 45 डिग्री एक इंक्लाइंड लाइन के ऊपर वो आएंगे, देन वहां से सभी पॉइंट्स आप वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे। वो भी एक तरीका है, चॉइस आपकी है, आप कैसा भी बना सकते हैं। तो चलो यहां टॉप व्यू, यहां पे साइड व्यू ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो साइड व्यू का बेस और हाइट क्या होगा, तो साइड व्यू का बेस उतना ही होगा जितना टॉप व्यू का हाइट है। देखिए, हमने जो बताए थे जितना टॉप व्यू का हाइट रहेगा उतना ही साइड व्यू का बेस है। तो टॉप व्यू का हाइट हमने 72 लिए, देन उसको रोटेट करने के बाद यहां साइड व्यू बनेगा, साइड व्यू का बेस जो है फाइनली उतना ही रहेगा जितना टॉप व्यू का हाइट, देन आफ्टर साइड व्यू का जो हाइट है वो उतना रहेगा जितना फ्रंट व्यू का हाइट, फ्रंट व्यू का हाइट यहाँ 48 है, तो साइड व्यू का हाइट भी 48 रहेगा। तो चलो यहाँ पे हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली उसके लिए यहाँ पे एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 45 डिग्री से रहेगा इंक्लाइन। तो 45 डिग्री इंक्लाइन के लिए हम यहाँ प्रोटेक्टर से जो है 45 डिग्री का एंगल ले लेंगे, तो यहां पे रखेंगे और 45 डिग्री का एंगल लेंगे। तो ये आ गया 45 डिग्री का एंगल, और अब ये 45 डिग्री एंगल पे आप टॉप व्यू के सभी पॉइंट जो है वो हॉरिजॉन्टली पहले उसके ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये 45 डिग्री से इंक्लाइन। आप कंपास का यूज करके प्रोजेक्टर्स जो है वो आप रोटेट भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसा 45 डिग्री एंगल से भी आप बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, टॉप व्यू के सभी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। देखो कैसे ड्रॉ करना बताते हैं। तो टॉप व्यू के सभी पॉइंट्स ये देखिए, टॉप व्यू के सभी पॉइंट सभी कॉर्नर से आप क्या करेंगे, इधर हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे। 45 डिग्री एंगल वाली लाइन पे आपको हॉरिजॉन्टली इसके ऊपर प्रोजेक्ट करना है। तो ये देखिए ऐसा ये चलेगा, और देन वहां से आप वर्टिकली प्रोजेक्ट करेंगे सभी पॉइंट्स को। तो हमने टॉप व्यू के पॉइंट्स को यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लिया है, और अब फ्रंट व्यू के जितने भी कॉर्नर्स हैं सभी कॉर्नर से भी हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर लेंगे एग्जैक्टली पैरेलल टू ईच अदर। तो फाइनली सभी प्रोजेक्टर्स हमने यहाँ ड्रॉ कर लिए, और यहाँ पे हमें साइड व्यू ड्रॉ करना है। अब ये साइड व्यू यहाँ पे कैसे ड्रॉ होगा, देखिए ये जो आइसोमेट्रिक व्यू है, ये आइसोमेट्रिक व्यू में हमने शेडेड किए फ्रंट व्यू के पार्ट को, देन हमने टॉप व्यू के पार्ट को भी शेडेड कर लिया, लेकिन अब साइड व्यू के लिए क्या शेडेड करना, तो जो अब साइड व्यू के लिए कुछ भी शेडेड करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, जो पार्ट बचा है वो सिर्फ साइड व्यू में आएगा। ये देखिए, ये व्हाइट पोर्शन, देखिए यहाँ पे जो व्हाइट पोर्शन बचा है वो साइड व्यू में आएगा। ऑब्जेक्ट को जब आप इधर से देखेंगे तो साइड व्यू में ये व्हाइट, ये जो व्हाइट पोर्शन है ये आएगा, और ये जो व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है ये भी आएगा। ठीक है, तो चलो ये ड्रॉ करना है और ये ड्रॉ करना है, और ये ड्रॉ करना बहुत आसान है। देखो इसका बेस यहाँ पे 72 है,
और इसका हाइट जो है टोटल 48 होगा क्योंकि फ्रंट व्यू का हाइट 48 है। तो यहां से आप 72, 48, देन यहां से आपको 24 लेना है, देन नीचे आना है 16, फिर 24, फिर नीचे 16, फिर 24, फिर नीचे 16। तो आइए ये ड्रॉ करेंगे, ये बहुत ही आसान है, तो यहां पे वो पूरा का पूरा बनेगा। तो सबसे पहले आप बेस बना लेंगे, यहां बेस जो है वो 72, तो ये हम सबसे पहले बेस नीचे ले लेंगे 72, तो ये आ गया सबसे पहले बेस। और लेफ्ट साइड से आप 48 पूरा ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि यहां लेफ्ट साइड से 48 पूरा ऊपर है, 48 mm, तो ये आप 48 mm जो है यहां से पूरा ऊपर लेके जाएंगे। तो ये 48 mm, ये देखिए सबसे ऊपर आ गया, ये हमने 72 और 48, ठीक है, ये 72 48, देन ये 24 16 24 16 24 16 ये ड्रॉ करना है। तो यहां से आपको 24 देन 16 देन 24 देन 16 देन 24 देन 16 ऐसा ड्रॉ करना है। तो ये हम ड्रॉ करेंगे यहां पे बहुत ही आसानी से, ये 24 देन यहां से आएंगे नीचे 16 देन इधर जाएंगे 24 देन यहां से नीचे आएंगे 16 देन इधर जाएंगे 24 देन यहां नीचे आएंगे 16। तो ये देखिए फाइनली ये 72 48 24 16 24 16 24 16 ऐसा हमने ड्रॉ कर लिए साइड व्यू में। ये जो पोर्शन है देखिए, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है जो सामने आपके दिख रहा है, ठीक है ना, तो ये पोर्शन आपने ड्रॉ कर लिए यहां पे। और एक पोर्शन है व्हाइट पोर्शन, देखिए ये व्हाइट पोर्शन है जो पीछे में है, जो आप इधर से देखने पर आपको वो भी पूरा क्लियर कट दिखाई दे रहा है, तो ये आपको ड्रॉ करना है। और ये उल्टा एल है और ये ड्रॉ करना बहुत आसान है। ये सरफेस की ये जो एजेस है देखिए, ये एजेस वो बस आपको यहां ड्रॉ करनी है जो यहां से ऐसी बनेंगी। देखिए वो एजेस जो है जब आप इधर से देख रहे हैं, इमेजिन करो जब आप इधर से देख रहे हैं, तो ये जो एजेस है ये एजेस आपको यहां पे ड्रॉ करनी है, यहां पे ऐसा ड्रॉ करना है। तो बस वही ऊपर की जो एज है उसको एक्सटेंड करके वो कंप्लीट कर लो। तो ये देखिए ये बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, ये देखिए ऊपर का ये एज बन गया और यहां पे साइड में भी ये एज यहां पे हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फाइनली साइड व्यू यहां पे पूरा हो गया। डायमेंशन यहां क्या लिखते हैं, देखो डायमेंशन यहां पे जहां तक साइड व्यू में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए साइड व्यू का जो हाइट है, साइड व्यू का हाइट जो है वो हमने यहां ऑलरेडी लिख लिया है 16 3 48, तो यहां पे आपको डबल लिखने की जरूरत नहीं। जो डायमेंशन आपने एक बार लिख लिया उसको डबल नहीं लिखना है। तो साइड व्यू का हाइट जो है वो 48 आपके यहां पे हमने फ्रंट व्यू में लिखा है, तो हम यहां नहीं लिखेंगे। और साइड व्यू का जो बेस है वो ऑब्वियसली 72 होगा क्योंकि देखिए यहां पे टॉप व्यू का हाइट 72 था, तो जो टॉप व्यू का हाइट है वही साइड व्यू का बेस है। तो आप चाहे तो यहां 72 लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। देन ये जो 16 16 16 है इसका भी लेंथ हमने यहां लिखा है, और देन ये 24 24 24 ये जो है ये भी हमने यहां टॉप व्यू में लिखा है। तो फाइनली साइड व्यू यहां पे कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ये पूरा फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू हमने यहां पे ड्रॉ कर लिए। आप चाहे तो फिलहाल हम यहां पे आपको समझाने के लिए यहां पे लिख लेते हैं कि ये फ्रंट व्यू है, तो हम इसके अंदर लिखेंगे फ्रंट व्यू। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। ये फ्रंट व्यू, देन ये टॉप व्यू और ये है साइड व्यू। एग्जाम में सिर्फ आपको फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू ड्रॉ करना है और उनके डायमेंशन वगैरह यहां पे लिखना है। एक्स वाई लाइन और एक्स वन वाई वन लाइन ये आपको सेमी डार्क ड्रॉ करना है। फ्रंट व्यू के एजेस, टॉप व्यू की एजेस और साइड व्यू की एजेस ये आपको डार्क ड्रॉ करना है। और रिमेनिंग जितने भी प्रोजेक्टर्स है वो आपको फेंट ड्रॉ करना है। फेंट वर्क ड्रॉ करने के लिए आप 4H नंबर का पेंसिल यूज कर सकते हैं या 6H नंबर का पेंसिल यूज कर सकते हैं, और डार्क वर्क करने के लिए आप एच नंबर का पेंसिल यूज कर सकते हैं। तो ये फाइनली आइसोमेट्रिक व्यू से हमने ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ कर लिए। वो है आइसोमेट्रिक व्यू, ये है ऑर्थोग्राफिक व्यू, वो है थ्री डायमेंशनल व्यू, ये है टू डायमेंशनल व्यू। वो व्यू का यूज करके हमने ये व्यू बना लिए, ये है ऑर्थोग्राफिक व्यू। तो चलिए फाइनली ये प्रॉब्लम यहां पे कंप्लीट हो गया। ये था ऑर्थोग्राफिक व्यू का सेकंड प्रॉब्लम। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे। इसके पहले हमने जितने भी टॉपिक स्टडी किए थे वो सभी टॉपिक्स अगर आपने नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप इसके पहले के सभी वीडियोस आसानी से देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।